दोस्तों, इंसानों ने जिस रफ्तार से तरक्की की उसी रफ्तार से प्रदूषण भी विश्वव्यापी समस्या बन गई। बहुत से देश कई सारी कोशिशों के बावजूद जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हानिकारक गैसों में कमी नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए अब परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल की कोशिशें दुनिया भर में की जा रही हैं, किंतु कुछ हादसों के कारण परमाणु ऊर्जा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 26 अप्रैल 1986 को रूस के चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के चौथे रिएक्टर में भयानक परमाणु दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 134 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और वहीं इस दुर्घटना में फैली आग की वजह से अगले 9 दिनों तक हवा में रेडियोधर्मी प्रदूषण घुलता रहा। यह प्रदूषण बेलारूस से लेकर पश्चिमी यूरोप तक पहुंच गया। उस समय इस दुर्घटना से निपटने के लिए रूस द्वारा करीब 5 खरब रुपए खर्च करने पड़े। इस घटना के कारणों का आज तक खुलासा नहीं हो सका है, किंतु इस घटना के कारण परमाणु प्रदूषण की ओर सारी दुनिया का ध्यान गया और परमाणु ईंधन के इस्तेमाल से निकला कचरा आज एक बड़ी मुसीबत के रूप में देखा जा रहा है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम इस कचरे को अंतरिक्ष में भेज दें तो हमारा काम बन सकता है। तो आज के इस वीडियो में इसी विचार को अच्छी तरह से जानते हैं। परमाणु कचरा क्या है? दोस्तों, परमाणु कचरे को उसमें से निकलने वाले रेडिएशन के अनुसार वैज्ञानिकों ने 3 श्रेणियों में बांटा हुआ है। पहली श्रेणी में वो कचरा आता है जिससे बहुत कम रेडिएशन निकलती है, जैसे दस्ताने, औजार और वो सामान जो परमाणु ईंधन के रखरखाव के दौरान प्रयोग में लाया जाता है। किसी परमाणु संयंत्र से निकलने वाले कचरे में 90% हिस्सा पहली श्रेणी का ही होता है। इस तरह के कचरे का आसानी से निपटारा किया जा सकता है। दूसरी श्रेणी के कचरे में वो हिस्सा होता है जो परमाणु ईंधन के कोर से सीधे संपर्क में आता है। यह कचरा बहुत ही खतरनाक है और इससे बेहद तीव्र रेडिएशन निकलता है। कुल परमाणु कचरे में इसकी भागीदारी 7% है। इस दूसरी श्रेणी वाले कचरे को पिघलाकर कांच के कनस्तर में सीमेंट के साथ मिलाकर जमीन में गाड़ दिया जाता है ताकि यह पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचा पाए। यानी परमाणु संयंत्र से निकलने वाले 97% कचरे को हम मनुष्य आसानी से ठिकाने लगा देते हैं और बाकी बचा 3% परमाणु कचरा ही मनुष्यों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। जिस तरह से लकड़ी को जलाने के बाद राख शेष रहती है, उसी तरह परमाणु ईंधन के जलने के बाद बचा कचरा ही इस तीसरी श्रेणी में गिना जाता है। यह कचरा अत्यधिक रेडिएशन युक्त और बहुत ही गर्म होता है। इसका निपटारा कठिन है, इसलिए इस कचरे को हम सुदूर अंतरिक्ष में फेंकना चाह रहे हैं। वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी पर करीब 440 परमाणु ऊर्जा से चलने वाले बिजली घर हैं, जिनसे हर साल 11,000 टन इस तीसरी श्रेणी का परमाणु कचरा निकलता है। चूंकि इस कचरे से निपटारे का कोई तरीका किसी देश के पास नहीं है, इसलिए 1954 से लेकर अभी तक हम इंसान इस तीसरी श्रेणी का करीब 4,00,000 टन कचरा पूरी पृथ्वी पर ही जमा कर चुके हैं। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष बहुत ही विशाल है। हमारे द्वारा फैलाया गया यह परमाणु कचरा विशाल अंतरिक्ष के लिए एक धूल के कण के ही समान है। यानी परमाणु कचरे को अंतरिक्ष में फेंक कर हम इस कचरे से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में कुछ समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। तो चलिए उन समस्याओं से अवगत होते हैं। पहली समस्या, रॉकेट के सफर की कीमत। दोस्तों, जैसे जैसे अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम में निजी कंपनियां घुसती जा रही हैं, वैसे वैसे अंतरिक्ष यात्रा भी अब सस्ती होने लगी है। परंतु यह यात्रा अभी भी इतनी सस्ती नहीं है कि हम पृथ्वी के कचरे को उठाकर अंतरिक्ष की गहराई में भेज सकें। वर्तमान समय में परमाणु कचरे को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजने के लिए प्रति किलो करीब $4,000 का अनुमानित खर्च आएगा। वहीं यूरेनियम को खदान से निकालने और उसे परमाणु ईंधन में तब्दील करने का खर्च मात्र $1,600 ही होता है। इसका अर्थ है कि यदि हम परमाणु कचरे को अंतरिक्ष में भेजने लगे तो परमाणु ऊर्जा करीब 2.5 गुना महंगी हो जाएगी, जिसका सीधा असर बढ़े हुए बिजली के बिलों के रूप में हमारी जेब पर पड़ेगा। मात्र एक ट्रक परमाणु कचरा अंतरिक्ष में भेजना पड़े तो इसका खर्च $8 करोड़ यानी करीब 640 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर होगा। दुनिया भर में मौजूद 440 परमाणु संयंत्र से प्रतिवर्ष इतना अधिक परमाणु कचरा निकलता है कि इसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए खरबों रुपए पानी की तरह बह जाएंगे। अब इतनी बड़ी रकम खर्च कोई देश भला क्यों करना चाहेगा? इसलिए कई विकसित देशों ने कम खर्चीला तरीका अपना लिया है। ये देश अपने परमाणु संयंत्रों से निकले कचरे को गरीब अफ्रीकी देशों में फेंक आते हैं। इसके लिए इन गरीब देशों की थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता भी कर दी जाती है। ये एक तरह से दूसरे के घर में आग लगाकर अपने घर को रोशन करने का ही उदाहरण है, किंतु मानव अपने इन्हीं अमानवीय कृत्यों के लिए जाना जाता रहा है। दूसरी समस्या,
अंतरिक्ष का खतरनाक वातावरण। दोस्तों, पिछले वर्ष यानी 2021 में पूरी पृथ्वी से 135 रॉकेटों को अंतरिक्ष में भेजा गया और इसी वर्ष एक साल के अंदर सबसे ज्यादा रॉकेट अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड भी बना। कल्पना करो, यदि हम इन सभी रॉकेटों में परमाणु कचरा भरकर अंतरिक्ष में भेज देते तो करीब 800 टन परमाणु कचरा पृथ्वी के वायुमंडल से मात्र कुछ ऊंचाई पर ही तैर रहा होता, क्योंकि हमारे द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए अधिकतर रॉकेट पृथ्वी के लो ऑर्बिट तक का ही सफर तय करते हैं। पृथ्वी का लो ऑर्बिट जमीन से 200 से 2000 किलोमीटर के ऊंचाई वाले क्षेत्र को कहा जाता है और यदि हम परमाणु कचरे को अंतरिक्ष में पृथ्वी के लो ऑर्बिट तक भेज देते हैं तो हमारे द्वारा छोड़े गए सैटेलाइट के अवशेषों से यह कचरा टकरा सकता है। टक्कर के कारण यह कचरा काफी दूर तक फैल जाएगा और यह फैला हुआ कचरा धीरे धीरे वापस पृथ्वी के वातावरण में ही खींचने लगेगा एवं पृथ्वी पर बारिश बनकर बरसेगा, जिसका बहुत बुरा असर पृथ्वी के सभी जीवों पर पड़ेगा। असल में अंतरिक्ष में सभी वस्तु एक ऑर्बिट में घूमती है। ये ऑर्बिट गोल या अंडाकार पथ होता है जिसमें समय के साथ बदलाव भी आते रहते हैं। इस पथ पे चलती हुई कोई वस्तु एक दिन वापस वहीं पहुंच जाती है जहां से वो वस्तु चली थी। यानी बहुत अधिक संभावना है कि हमारे द्वारा अंतरिक्ष में फेंका गया परमाणु कचरा एक दिन वापस पृथ्वी से ही आ टकराएगा, जिसका सीधा मतलब है कि हमें इस कचरे को पृथ्वी के लो ऑर्बिट से काफी दूर भेजना होगा, जिसके लिए अत्यधिक बड़े और भारी रॉकेट बनाने होंगे, जिस वजह से हमारा खर्च और भी अधिक बढ़ जाएगा। इस खर्च को देखते हुए ये काम कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन प्रतीत होता है। तीसरी समस्या, रॉकेट का दुर्घटनाग्रस्त होना। जब मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा तो उस कदम को मानवता की बड़ी छलांग माना गया था, किंतु उस समय प्रयोग में लाए जाने वाले रॉकेट और वर्तमान समय में प्रयोग में लाए जाने वाले रॉकेटों में जमीन आसमान का अंतर है। आज भले ही इंसान चंद्रमा पर जाने का खर्च उठाना पसंद ना करता हो, किंतु वर्तमान रॉकेट इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा उन्नत हो चुकी है। अब हम पुराने समय में प्रयोग में लाए जाने वाले जहरीले ईंधन की जगह तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे सुरक्षित ईंधनों को रॉकेट के लिए प्रयोग में लाते हैं, किंतु इसके बावजूद भी रॉकेट दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में 10 से अधिक रॉकेट दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। कल्पना कीजिए कि यदि परमाणु कचरे को ले जा रहा कोई रॉकेट किसी प्रकार की खराबी आने के कारण हवा में ही फट जाता है तो इसके परिणाम बेहद ही भयानक होंगे। इस विस्फोट से निकला परमाणु रेडिएशन आसपास के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगा। इस धमाके से निकली ऊर्जा किसी छोटे परमाणु बम के फटने के ही बराबर होगी, जिससे हमारा वातावरण गंभीर रूप से जहरीला हो जाएगा। धमाके से निकले रेडिएशन का प्रभाव जीवों से लेकर पेड़ पौधों और फसलों तक पर होगा, जिससे भुखमरी भी फैल सकती है। आखिर क्या किया जाए? दोस्तों, बढ़ता परमाणु कचरा एक खतरनाक समस्या है और इस कचरे को अंतरिक्ष में फेंकना और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हर साल लाखों टन कोयला बिजली पैदा करने के लिए जलता है, जिससे निकली राख में करीब 36,000 टन रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, परंतु इनमें रेडिएशन परमाणु कचरे की तुलना में कम रहता है, इसलिए कोयले की इस राख को जमीन में ही दबा दिया जाता है या फिर इसका इस्तेमाल सड़क, सीमेंट अथवा ईंट आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। किंतु कोयले से निकली ये राख इस्तेमाल करने के बावजूद भी कभी न कभी नदियों और तालाबों के पानी में घुसकर पानी को प्रदूषित करती है। साथ ही कोयले के जलने से दूसरे भारी तत्वों के साथ साथ बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। ये गैस पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सबसे आगे है, किंतु वहीं दूसरी ओर परमाणु ऊर्जा से परमाणु कचरे के अलावा और कोई प्रदूषित पदार्थ नहीं निकलता। यानी अगर हम किसी तकनीक से परमाणु कचरे को दोबारा प्रयोग में लाना सीख जाएं तो परमाणु ऊर्जा हम इंसानों के लिए प्रदूषण रहित एवं बेहद ही सुरक्षित ऊर्जा बन जाएगी। अतः परमाणु कचरे से निपटने के लिए हमें और अधिक अनुसंधानों की आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।